वाहन परिवहन का एक अनिवार्य हिस्सा है और परिवहन आधुनिक मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमें कहीं भी आने जाने के लिए किसी न किसी वाहन की आवश्यकता पड़ती है। सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी हमें वाहनों यानी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नेम यानी वाहनों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में, वो भी पिक्चर के साथ। इसे हिंदी में बैलगाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में बुल्लक कार्ट कहते हैं। बुल्लक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी। इसे हिंदी में घोड़ा गाड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में हॉर्स कार्ट या टांगा बोलते हैं। हॉर्स कार्ट या टांगा मीन्स घोड़ा गाड़ी। इसे हिंदी में ऊंट गाड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में कैमल कार्ट बोलते हैं। कैमल कार्ट मीन्स ऊंट गाड़ी। इसे हिंदी में बच्चा गाड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में बेबी कैरेज बोलते हैं। बेबी कैरेज मीन्स बच्चा गाड़ी। इस ट्रांसपोर्ट को हिंदी में साइकिल बोलते हैं और इंग्लिश में बाईसाइकिल बोलते हैं। बाईसाइकिल मीन्स साइकिल। इसे हिंदी में तिपहिया साइकिल बोलते हैं यानी तीन पहियों वाली साइकिल और इंग्लिश में ट्राई साइकिल बोलते हैं। ट्राई साइकिल मीन्स तिपहिया साइकिल। इसे हिंदी में साइकिल रिक्शा बोलते हैं और इंग्लिश में भी साइकिल रिक्शा ही बोलते हैं। साइकिल रिक्शा मीन्स साइकिल रिक्शा। इसे हिंदी में स्कूटर बोलते हैं और इंग्लिश में भी स्कूटर ही बोलते हैं। स्कूटर मीन्स स्कूटर। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसे हिंदी में मोटरसाइकिल बोलते हैं और इंग्लिश में बाइक बोलते हैं। बाइक मीन्स मोटरसाइकिल। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में रिक्शा बोलते हैं और इंग्लिश में ऑटो रिक्शा बोलते हैं। ऑटो रिक्शा मीन्स रिक्शा। इसे हिंदी में ई रिक्शा या टोटो बोलते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक रिक्शा बोलते हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा मीन्स ई रिक्शा या टोटो। इसे हिंदी में बस बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे बस ही बोलते हैं। बस मीन्स बस। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में बिजली से चलने वाली बस कहते हैं और इंग्लिश में ट्रॉली बस बोलते हैं। ट्रॉली बस मीन्स बिजली से चलने वाली बस। इसे हिंदी में छोटी बस कहते हैं और इंग्लिश में मिनी बस बोलते हैं। मिनी बस मीन्स छोटी बस। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में कार, मोटर या गाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में कार कहते हैं। कार मीन्स कार, मोटर या गाड़ी। इसे हिंदी में जीप कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे जीप ही बोलते हैं। जीप मीन्स जीप। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में वैन कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे वैन ही बोलते हैं। वैन मीन्स वैन। इसे हिंदी में रेलगाड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रेन कहते हैं। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसे हिंदी में मालगाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में गुड्स ट्रेन कहते हैं। गुड्स ट्रेन मीन्स मालगाड़ी। इसे हिंदी में भूमिगत रेल कहते हैं और इंग्लिश में मेट्रो ट्रेन कहते हैं। भूमिगत रेल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भूमि के अंदर चलता है। मेट्रो ट्रेन मीन्स भूमिगत रेल। नेक्स्ट है, इसे हिंदी में ट्रक कहते हैं और इंग्लिश में लॉरी कहते हैं। लॉरी मीन्स ट्रक। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे डंप ट्रक ही बोलते हैं। डंप ट्रक मीन्स
डंप ट्रक। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे ट्रैक्टर ही बोलते हैं। ट्रैक्टर मींस ट्रैक्टर। इसे हिंदी में संयुक्त अनाज काटने वाला ट्रक कहते हैं और इंग्लिश में कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर मींस संयुक्त अनाज काटने वाला ट्रक। इसे हिंदी में सड़क ग्रेडर कहते हैं और इंग्लिश में रोड ग्रेडर कहते हैं। रोड ग्रेडर मींस सड़क ग्रेडर। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसे हिंदी में सड़क बेलन या सड़क कूटने का इंजन कहते हैं और इंग्लिश में स्टीम रोलर या रोड रोलर कहते हैं। स्टीम रोलर या रोड रोलर मींस सड़क बेलन या सड़क कूटने का इंजन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसे हिंदी में खोदक मशीन या खुदाई करने वाली मशीन कहते हैं और इंग्लिश में एक्सवेटर या डिगर कहते हैं। एक्सवेटर या डिगर मींस खोदक मशीन या खुदाई करने वाली मशीन। इसे हिंदी में कंक्रीट मिश्रक कहते हैं और इंग्लिश में कंक्रीट मिक्सर कहते हैं। कंक्रीट मिक्सर मींस कंक्रीट मिक्सरक मशीन। इसे हिंदी में बर्फ हल कहते हैं और इंग्लिश में स्नो प्लो कहते हैं। स्नो प्लो मींस बर्फ हल। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसे हिंदी में भारोत्तोलन यंत्र कहते हैं। भारोत्तोलन यंत्र और इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। क्रेन मींस भारोत्तोलन यंत्र। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में भारी चीजों को उठाने की मशीन कहते हैं और इंग्लिश में फॉक लिफ्ट कहते हैं। फॉक लिफ्ट मींस भारी चीजों को उठाने की मशीन। इसे हिंदी में दमकल कहते हैं या आग बुझाने वाली मशीन कहते हैं और इंग्लिश में फायर इंजन कहते हैं। फायर इंजन मींस दमकल या आग बुझाने वाली मशीन। नेक्स्ट है, इसे हिंदी में रोगी वाहन कहते हैं और इंग्लिश में एम्बुलेंस कहते हैं। एम्बुलेंस मींस रोगी वाहन। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसे टैक्सी या कैब कहते हैं। टैक्सी या कैब मींस किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी। इसे हिंदी में नाव कहते हैं और इंग्लिश में बोट कहते हैं। बोट मींस नाव। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में मोटर नौका कहते हैं और इंग्लिश में मोटर बोट कहते हैं। मोटर बोट मींस मोटर नौका। इसे हिंदी में जहाज कहते हैं और इंग्लिश में शिप कहते हैं। शिप मींस जहाज। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं और इंग्लिश में सबमरीन कहते हैं। सबमरीन मींस पनडुब्बी। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में हवाई जहाज या विमान कहते हैं और इंग्लिश में एयरप्लेन कहते हैं। एयरप्लेन मींस हवाई जहाज या विमान। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसे हिंदी में उदग्रयान कहते हैं और इंग्लिश में हेलीकॉप्टर कहते हैं। हेलीकॉप्टर मींस उदग्रयान। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसे हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में रॉकेट कहते हैं। रॉकेट मींस प्रक्षेपास्त्र। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हिंदी में वायुयान कहते हैं और इंग्लिश में एयरक्राफ्ट कहते हैं। एयरक्राफ्ट मींस वायुयान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।